अयोध्या में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में इन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में प्रसपा भाजपा के खिलाफ महागठबंधन में शामिल होगी। भाजपा के विकास के सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देखिए, अयोध्या पहुंचे बीएसपी नेता शिवपाल सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं और क्या आगे की चुनाव तैयारी है हम उसे समझते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ मीडिया में। चुनाव की तैयारी में लगातार जो है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लगी हुई है, क्या कहेंगे आप, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस पर? देखिए, हमारी पूरी तैयारियाँ हो गई हैं, हमारा संगठन पूरी तरह से तैयार हो गया है प्रगतिशील चुनाव। अब हमने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से वैसी तो पूरा देश के दुखी है। देखिए, भ्रष्टाचार बढ़ा है और जो वादे किए थे वो भी किए हैं। तो हमने तो यही ऐलान किया है कि जितने भी समाजवादी हैं और जितने भी उपेक्षित लोग हैं सब लोग इकट्ठे हो, और हमने ये भी उसमें स्पष्ट किया है कि हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हमारा चुनाव चिन्ह जारी रहेगा। हम अलायंस करेंगे और हमारी प्राथमिकता है, हर प्राथमिकता है समाजवादी अलायंस करें, और अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी को दें। सर, कोरोना को लेकर के तमाम सारी गाइडलाइनें बनाई जा रही हैं, क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे? देखिए, कोरोना से वैश्विक बीमारी जो कोरोना आई है तो उसमें भी इन्होंने जो भी फैसले लिए थे, निर्णय लिए थे, वो ठीक नहीं। पहले तो इनको सोच समझ करके लॉकडाउन लगाना चाहिए था, पहले तो इनको पहले लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, दिन बंद नहीं करना चाहिए था, फिर बंद नहीं करना चाहिए था। तो अंतिम सवाल सर, क्या चाचा भतीजे की सरकार फिर से सूबे में होगी? देखिए, अलायंस करेंगे, हमारा प्रयास ये है कि हम मिलकर के सब लोग गठबंधन करें और हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हमारा चाबी चुनाव जल्द आ जाएगा, अलायंस करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ शिवपाल सिंह यादव शिवपाल यादव जिंदाबाद। अलायंस कर सकती है, यानी गठबंधन के लिए तौर पर उत्तर प्रदेश में फिर एक बार सरकार बनाने की तैयारी जारी है। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, न्यूज़ वन इंडिया।